हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मजेदार ट्रिक। तो आइए हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं लंबोदर शब्द का क्या अर्थ होता है और काकोदर शब्द का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, वैसे तो इन दोनों शब्द के मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, लंबोदर से काकोदर और काकोदर से लंबोदर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबोदर शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, लंबोदर शब्द हम गणेश जी के लिए यूज करते हैं। गणेश, विनायक, वक्र तुंड। दोस्तों, तुंड मतलब होता है पेट, यानी कि जिनका पेट लंबा है, और वो है गणेश जी। गजानन, गणपति, गणनायक, विघ्नहर्ता, शिव गौरी नंदन। दोस्तों, गणेश भगवान शंकर भगवान और गौरी मैया के पुत्र हैं, इसलिए हम इनको शिव गौरी नंदन भी कहते हैं। एक दंत। तो आइए अब हम देखते हैं कि काकोदर का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, काकोदर शब्द सांप के लिए प्रयोग होता है। सर्प, सांप, विषधर, व्याल, भुजंग, उलग, अहिपन्नव, नाग, वासुकी। दोस्तों, ये सभी शब्द लंबोदर शब्द के पर्यायवाची हैं और ये सभी शब्द काकोदर शब्द के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, अब तो आपको मेरी बात समझ में आ ही गई होगी, और अगर आ गई है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।